जो लोग प्रशांत किशोर को जानता है उसको मालूम है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। एक बार समाज जिसको ढूंढ कर निकाल देगा उसको इतनी ताकत से, इतनी मजबूती, इतनी व्यवस्था से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। 10 वर्ष में जिसका भी मैंने हाथ पकड़ा है, जिस दल का, जिस नेता का, कोई नहीं हारा है। इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, आपको भी हारने नहीं देंगे। जिसको समाज चुनकर निकालेगा जीत कर वही आएगा। प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री ने आरजेडी की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि आगामी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि आगामी जो 2 अक्टूबर है उस दिन प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाएंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। अब इस ऐलान के बाद से सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी पार्टी में बढ़ी है, सबसे ज्यादा टेंशन किसी पार्टी में बढ़ी है तो वो है आरजेडी। और ये बातें हम नहीं कह रहे बल्कि ये खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का ये पत्र कह रहा है, ये लेटर कह रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल था। जरा एक बार इस पत्र को आप देखिए, इस लेटर को आप देखिए, जिसके वजह से तमाम तरह के जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से सबसे ज्यादा तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को खतरा महसूस हो रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर से तमाम दलों की जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है।